नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, गर्दन और कमर में दर्द होना आजकल एक आम समस्या बन गई है। कुछ लोगों को सर्वाइकल की वजह से गर्दन में दर्द, चक्कर आना और हाथ में सुन्नपन जैसी परेशानी आती है। गर्दन दर्द की समस्या अक्सर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, परंतु अगर ये सर्वाइकल की वजह से दर्द है तो इसके इलाज में अधिक समय भी लग सकता है, और अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो आपको बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा होने पर किसी भी प्रकार की दवा के सेवन से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। गर्दन के दर्द की समस्या होने के कारणों में नसों में खिंचाव होना और सर्वाइकल में मनकों का हिलना या नसों का दब जाना मुख्य कारण है। आज के इस पैकेज में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और देसी उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने इस गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सरसों के तेल में लौंग का तेल मिला लें और फिर इससे अच्छे से मालिश करें। ऐसा करने से गर्दन के दर्द में आराम मिलता है। गर्दन में दर्द में व्यायाम करने से भी राहत मिलती है। गर्दन के व्यायाम के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लें। सर्वाइकल की समस्या होने पर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर फिजियोथेरेपी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। गर्दन दर्द के इलाज में जैतून के तेल का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। जैतून के तेल को हल्का गर्म करके मसाज करें। मसाज के बाद गर्म पानी में एक तौलिए को भिगोकर लगभग 10 मिनट तक इसे गर्दन पर रखें। दर्द की परेशानी ज्यादा होने पर आप इस घरेलू नुस्खे को 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। गर्दन में दर्द की समस्या होने पर आप चाय के एक कप में अदरक का एक चम्मच पेस्ट डालकर सेवन करें। इस उपाय से गर्दन दर्द में भी राहत मिलती है। अजवाइन का प्रयोग भी गर्दन के दर्द में बहुत कारगर साबित होता है। अजवाइन लेकर इससे एक पोटली बना लें। इसके बाद इसे तवे पर गर्म करके गर्दन पर सेक लें। ये उपाय गर्दन दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। सरसों के तेल में सौंठ का चूर्ण मिला लें, फिर इस तेल से गर्दन की मालिश करें। सौंठ और अश्वगंध के चूर्ण को दूध के साथ एक एक चम्मच दिन में 2 बार सुबह और शाम प्रयोग करें। पानी में मेथी के दानों को अच्छे से पीसकर इसका लेप बनाएं। प्रतिदिन गर्दन पर 2 से 3 बार प्रयोग करने से गर्दन दर्द में बहुत लाभ मिलता है। अगर आपकी गर्दन में दर्द किसी चोट के कारण हो रहा है तो बर्फ से चोट वाली जगह पर अच्छे से सेक करें और इसके बाद फिर किसी गर्म कपड़े को गर्दन पर उसी जगह रखें। ऐसा आप दिन में 20 से 25 मिनट तक 2 से 3 बार कर सकते हैं। गर्दन में दर्द के घरेलू उपायों में लहसुन का प्रयोग रामबाण इलाज है। एक कप में सरसों का तेल गर्म करके उसमें लहसुन की 4 से 5 कलियां डालें और लहसुन के लाल होने तक इंतजार करें। फिर इसे ठंडा होने दें और मालिश करें। इससे भी आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। गर्दन दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन के लिए सबसे बेस्ट योगासन होते हैं बालासन, बिटिलासन और नटराजासन। ये 3 आसन गर्दन दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है, पर दोस्तों ध्यान रहे कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही आप इन आसनों को करें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।